तो सबसे पहले प्रेशर को ही निकालेंगे कि लश्कर का जो KC-4 है या KC-3 के जितने भी कंप्रेसर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये ऑयल उठा लिया है कंप्रेसर ऑयल। नमस्कार दोस्तों, कई बार आप कंप्रेसर का जो ऑयल है वो चेंज किए होंगे, इसके बॉडी का जो ऑयल है उसे चेंज किया होगा, या कभी आपने ऑयल पंप को खोला होगा, या प्लांट कई दिनों से या कई सालों से बंद है, या दोबारा प्लांट को आप रिस्टोर कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल पंप जो है ये ऑयल छोड़ देता है, ठीक है, और ऑयल ये जल्दी उठाता नहीं है, पकड़ता नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि कंप्रेसर फिर से ऑयल पकड़ ले, उठा ले, ठीक है। तो मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या करें जब कंप्रेसर ऑयल ना उठाए। तो सबसे पहले तो आपको पहले कंप्रेसर का जो रेगुलेशन है, चक्कर जो है, ये चक्कर को आपने चेक करना है कि ये कंप्रेसर किस दिशा में घूम रहा है। जैसे ये क्लस्कर का जो KC-4 है या KC-3 के जितने भी कंप्रेसर हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, इस तरह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता होगा तो समझ सकते हैं कि ऑयल कंप्रेसर का नहीं पकड़ेगा। सबसे पहला आपको काम ये करना है, कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखना है कि इसका जो चक्कर है ये सीधा है कि उल्टा है, ठीक है। तो अगर ये सीधा होगा उसके बाद आप एक कंप्रेसर का जो ऑयल है सबसे पहले फिल्टर में ऑयल भर देना है, यहाँ से खोलकर। ये है सक्शन फिल्टर और ये डिस्चार्ज फिल्टर, तो इसमें ऑयल भर देना है। इसमें नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, ये अपने आप भर जाएगा, तो इसमें ऑयल भर देना है। और क्रैंक केस में तो ऑयल पहले से ही भरा होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इस जो प्रेशर गेज में जाता है पाइप, उस पाइप को हमें खोल लेना है। यहाँ से खुलेगा, 17 नंबर का पन्ना लगता है, तो यहाँ से खोल लेना है। मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ। और इसे निकाल लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसे खोलने के पहले आपको चेक करना है कि कंप्रेसर के बॉडी में प्रेशर तो नहीं। तो सबसे पहले प्रेशर को ही निकालेंगे, ठीक है। प्रेशर निकाल कर इसे खोल लिया, ठीक है। अब इसे भी हम खोल लेते हैं। तो 19 नंबर का इसमें पाना लगेगा, उसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लगभग सभी तरह की वीडियो रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ये जो होल है दोस्तों, इसमें हमें ऑयल डालना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, कंप्रेसर ऑयल, तो डालना शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, इधर हम ऑयल डालेंगे और इधर इसके जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। एक आदमी इसे घुमाएगा, ठीक है, और दूसरा आदमी इधर ऑयल डालेगा, ठीक है। तो इसमें ऑयल डाल रहा हूं और उधर फ्लाईव्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसमें ऑयल डाल लेते हैं, इस तरह भी डाल सकते हैं। उंगली को वहां रखकर उसे गिराएंगे तो एक धार फूटेगा और वो अंदर जाएगा, ठीक है। और घुमाते रहो, घुमाते रहो। और दोस्तों, इसे पूरी तरह भर लेंगे हम, पंप पूरी तरह भर जाएगा तब इस नट को लगाएंगे। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये भर रहा है, आपको यहां से दिखाता हूं। इस तरह डालना आसान होता है, नहीं तो पाइप के जरिए ऑयल जो है ये मोटा होता है, इसलिए जल्दी जाता नहीं है। और उसने पतले पाइप में देख सकते हैं कि ये लगभग भरने वाला है, और भरते हैं इसमें। भर गया है,
हाँ, तो अब ये पूरी तरह भर चुका है, ठीक है। अभी इसको नट को टाइट करेंगे, अब चक्के को रोक देंगे। तो ये नट टाइट हो चुका है, अब इसमें जो पाइप है प्रेशर गेज का, उसे हम टाइट कर देंगे। ठीक है, ये टाइट हो गया। अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कंप्रेसर ऑयल प्रेशर जो है ये आता है कि नहीं कंप्रेसर में। तो हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ऑयल उठा लिया है कंप्रेसर ने, ठीक है। यहाँ सेक्शन जीरो बता रहा है और यहाँ पर 55 के आसपास इसका ऑयल प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से आप कंप्रेसर ऑयल को पकड़ा सकते हैं। अगर बाई चांस प्लांट को रीस्टोर कर रहे हैं और बहुत सालों से बंद है कंप्रेसर, या अपने ऑयल को चेंज किया है, तो किसी भी कारण से कंप्रेसर ऑयल नहीं उठाता हो, तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप कंप्रेसर ऑयल पकड़ा सकते हैं और कंप्रेसर ऑयल बड़ी आसानी से उठा लेगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।